अभी दुनिया रूस और यूक्रेन युद्ध से संभल ही नहीं पाया था और एक और जंग शुरू हो गया। इसराइल हमास के बीच जंग ने पूरी दुनिया को संकट के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। मिडिल ईस्ट हमेशा से संवेदनशील रहा है और अब इस युद्ध ने दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ा दी है। अगर ये युद्ध और चला तो भारत समेत पूरे विश्व पर इसका असर पड़ेगा और इसराइल के बीच कारोबारी रिश्ते काफी मजबूत हैं। तो अगर इस ये युद्ध हुआ तो भारत को अरबों रुपयों का नुकसान पहुंच सकता है। अगर इसराइल और हमास का युद्ध लंबा चला तो भारत की अर्थव्यवस्था इससे बच नहीं पाएगी। इसराइल फिलिस्तानी के बीच जारी युद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा, भारत को भी अरबों रुपयों का नुकसान हो सकता है। साथ ही भारत और इसराइल के बीच अरबों डॉलर का कारोबार है तो जाहिर है कि अगर युद्ध लंबा चला तो इस व्यापार पर भी असर होगा। भारत का आयात निर्यात यानी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रभावित होगा जिसका असर महंगाई पर देखने को मिल सकता है। इसकी शुरुआत पेट्रोल डीजल के दामों से हो सकती है। इस युद्ध का सबसे पहला असर कच्चे तेल की आपूर्ति पर दिख रहा है। अगर युद्ध पूरे पश्चिम एशिया में फैला और इसमें भारत शामिल होने लगे तो कच्चे तेल की सप्लाई बाधित हो जाएगी। अगर सप्लाई बाधित हुई तो कीमत पर असर पड़ेगा और तेल के दाम बढ़ने लगेंगे। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों से बाकी कई चीजों के दाम भी लिंक हैं। माल ढुलाई महंगा हुआ तो खाने पीने की चीजें भी महंगी हो जाएंगी। इसराइल के लिए भारत एशिया में तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। इसराइल की कंपनियों का भारत में निवेश है और ये स्थिति में ये कारोबार प्रभावित तो हो ही सकता है। अगर इस युद्ध के कारण सोने की कीमत भी बढ़ सकती है। इस संघर्ष के कारण भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसराइल हमास युद्ध के चलते भारत से यूरोप तक बने इस इकोनॉमिक कॉरिडोर पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं जिसका असर शिपिंग क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के शेयरों पर भी दिखा। उन कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है जिसे इस कॉरिडोर का बड़ा फायदा मिल सकता है। अगर ये युद्ध लंबा चला तो सिर्फ भारत ही नहीं ग्लोबल इकोनॉमी पर भी इसका असर देखने को मिलेगा और इससे सबसे ज्यादा सप्लाई चेन प्रभावित होगी।